नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। थाना प्रभारी पर गलत केस में फंसाने का आरोप, शख्स ने खाया जहर, सुसाइड नोट भी छोड़ा। राजधानी के आरम थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई से नाराज एक व्यक्ति बुधराम सोनकर ने जहर खा लिया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसने आरम थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं करने और गलत आरोप लगाने का इल्जाम लगाया है। इसके साथ ही एक सुसाइड नोट भी लिखा है। सुसाइड नोट में बुधराम ने लिखा कि मुझे राजू निषाद और राजेश निषाद ने इतना प्रताड़ित किया कि मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। मैं मरना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी में कदम उठा रहा हूँ। राजेश निषाद और राजू निषाद अपने भैया भाभी का ध्वंस दिखाकर प्रताड़ित किए हैं। जानकारी मिली है कि बुधराम सोनकर के खिलाफ राजू निषाद ने मारपीट और गाली गलौज की शिकायत आरन थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर बुधराम के खिलाफ धारा 294-223 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इसके बाद जमानत पर बुधराम रिहा हुआ था। थाने से आने के बाद आज सुबह बुधराम ने जहर खा लिया। सुसाइड नोट में उसने आरंग थाना प्रभारी पर झूठी कार्रवाई करने का आरोप लगाया। इस मामले में एएसपी ग्रामीण रायपुर कीर्तन राठौर का कहना है कि मारपीट की घटना के बाद आरोपित को पकड़ा गया था। हालांकि उसका कहना था कि उसे झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। वहीं सोमवार की सुबह जहरीला पदार्थ खा लिया। बुधराम सोनकर के विरुद्ध थाना आरंग में अवैध शराब बिक्री संबंधी 6 प्रकरण एवं मारपीट के 1 प्रकरण कुल 7 प्रकरण दर्ज हैं। उसके पुत्र हेमंत सोनकर के विरुद्ध अवैध रूप से शराब पिलाने के 8 प्रकरण, मारपीट के 2 प्रकरण कुल 10 प्रकरण और भीम सोनकर के विरुद्ध अवैध रूप से शराब पिलाने के 4 प्रकरण, मारपीट के 2 प्रकरण कुल 6 प्रकरण दर्ज हैं।